हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑल टाइप्स ऑफ एंगल। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7, 8 और 9 तीनों स्टैंडर्ड को मिक्स करके एक वीडियो तैयार किया है, जिसके अंदर सभी प्रकार के एंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है पॉइंट। तो पॉइंट किसे कहेंगे? तो नॉर्मली हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु को हम गणित इस बिंदु को हम कहेंगे पॉइंट। अब जो ये बिंदु है, तो ये बिंदु की कोई साइज नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है या कोई गहराई नहीं है, तो इसे हम पॉइंट कहेंगे। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हम अपने हिसाब से उसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा छोटा ही पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दी गई है, इस लाइन के अंदर बहुत सारे बिंदु आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो इन्फिनिटिव जितने पॉइंट्स एक साथ मिलकर एक लाइन क्रिएट करते हैं। वैसे ही अगर हम बात की अगर हम बात करें तो पॉइंट से दूसरा क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम ये फर्स्ट सेकंड अगर थर्ड पॉइंट तीन पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर ले तो ये यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा। अगर हम ये पॉइंट को राउंड शेप के अंदर ज्वाइन कर ले तो ये सर्कल बन जाएगा। अगर हम चार पॉइंट को ज्वाइन कर ले तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही रेक्टेंगल बनेगा। तो इट मीन्स पॉइंट का यूज करके हम अलग अलग जियोमेट्री फिगर तैयार कर सकते हैं। तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं लाइन की। तो कितने प्रकार की लाइन होती है? तो फर्स्ट आपको दिख रहा है लाइन सेगमेंट, सेकंड है रे और थर्ड है लाइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लाइन सेगमेंट जो जो फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो टू एंडिंग पॉइंट्स है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ पे उसका अंत हो जा रहा है। ए और बी हम उसे नाम दे देते हैं, तो ए से शुरू होके बी पे वो खत्म हो जा रहा है, जिसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। दूसरी बात करें रे की, तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट है, जबकि यहाँ आपको देखो तो ऐसा तीर दिया गया है, इसका मतलब ये अनंत तक विस्तरण हो रहा है, यानी कि इट एक्सटेंड टू इंफिनिटी। जब वो एक ही तरफ पर एक्सटेंड होगा तो हम उसे कहेंगे रे, लेकिन अगर वो दोनों बाजू अगर वो अनंत तक फेर रहा है तो उसे हम कहेंगे लाइन। ये तीन की मदद से हम एंगल तैयार कर सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं तो एंगल कैसे तैयार होगा। तो अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो हमारे पास हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, वैसे ही हम एक दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे जो बना उसे हम कहेंगे एंगल। वैसे ही अगर हम रे की बात करें तो ये दो रे की वजह से बनाया, तो ये दो रे को अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पे जो बना उसे हम कहेंगे एंगल। अगर हम लाइन की बात करें तो दो लाइन से भी हम बना सकते हैं एंगल, लेकिन ये कब बनेगा? तो जब दो लाइन सेगमेंट, दो रेस या दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी। तब हमारा बनेगा एंगल। तो जब एंगल बन रहा है तो जो ये जो बाजू होगी उसे हम कहेंगे आर्म्स, और जिस बिंदु पे वो दोनों मिल रहे हैं उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। तो एंगल बनाने के लिए हमें कितने आर्म्स की जरूरत होगी? तो टू आर्म्स एंड दो आर्म्स की जरूरत है और एक कॉमन वर्टेक्स। यानी कि एंगल बनाने के लिए हमें टू आर्म्स चाहिए और इवन कॉमन वर्टेक्स। अब इसके अंदर देखो तो कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है रबर और ये आर्म्स है, वन एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलो ये एंगल की बात तो हो गई। अब यहाँ तो मैंने दो जो एंगल है यहाँ एंगल में यहाँ पे देखा तो हमने तीन पॉइंट लिए है, वैसे यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे तो एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, बराबर। तो
अगर हम लाइन सेगमेंट से अगर एंगल बनाते हैं तो हमारे पास कितने पॉइंट मिलेंगे, तो तीन। अगर हम रे की मदद से बनाएंगे तो कितना एंडिंग पॉइंट होगा, सिर्फ वन। और अगर हम लाइन की मदद से ड्रॉ करेंगे तो एक भी नहीं। चलो आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल डिपेंडिंग ऑन साइज। हमने जैसे एंगल आगे ड्रॉ किए थे तो उस एंगल को हम साइज की मदद से भी पहचान सकते हैं किस प्रकार। तो सबसे पहले हम राइट एंगल से स्टार्ट करेंगे। तो जिस एंगल का टू आर्म्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा, जिसका एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम कहेंगे राइट एंगल। वैसे ही जिसका एंगल 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। और जिसका एंगल ग्रेटर देन 90 होगा उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे तीन एंगल है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो राइट एंगल के लिए माप होगा 90 डिग्री, एक्यूट एंगल के लिए होगा लेस देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो चलो यहाँ पे अगर आपको एक संख्या दे दी जाए 135 डिग्री, बराबर। तो ये जो हमने तीन एंगल हमने सीखे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, तो क्या हम इसे 135 है तो इसे हम 90 डिग्री से ग्रेटर है तो क्या हम उसे ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं? तो आंसर होगा यस, हम उसे ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? तो यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे दो रेस है, दो रेस जो है यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। सपोज ये उनका वर्टेक्स है, यहाँ पे हम नाम दे दे ए बी और सी। यहाँ पे एंगल होगा एंगल बी ए सी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका माप है टोटल 180 डिग्री। तो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट बन रही है। जब भी हमारा एंगल स्ट्रेट होगा तो हमारा डिग्री होगी 180, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। वैसे ही अगर बात की जाए रिफ्लेक्स एंगल की, तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे? तो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि 90 to 180 तक तो जो एंगल होगा उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, 180 जो होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। तो 180 के बाद जितने भी एंगल हो गए उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन अब हमें एंगल कहाँ से देखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि टोटल एंगल हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ऐसा एंगल है, बराबर। तो आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल हम देखो तो दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं। एक्यूट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल ऐसे देखने में सेम जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है, तो स्ट्रेट लाइन देखनी है। रिफ्लेक्स एंगल ऊपर के जो एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूस एंगल जितने जैसे ही थोड़े थोड़े दिखेंगे, बराबर। इसीलिए आपको देखना है कि आपको अंदर का एंगल पूछा गया है या बाहर का। अगर अंदर का एंगल होगा तो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। लेकिन यहाँ पे जो बाहर का एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। चलो हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किसे कहेंगे, तो जो दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज कि हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है। तो यहाँ पे एंगल हुआ एंगल ए बी डी और दूसरा एंगल होगा डी बी सी। डी बी सी दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। और अगर हम टोटल की देखें तो टोटल इस प्रकार है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम ये दोनों का सम कर दे तो मेजर ऑफ एंगल
ABD plus measure of angle DBC is equal to 90 degree. बराबर, तो यहाँ पे ABD और DBC दोनों का अगर हम सम कहें तो 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट, इसमें से और एक बात है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री आपको याद रखना है. क्यों याद रखना है, तो हमें इसके आधार पे कुछ एग्जांपल आगे करने हैं, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम 90 डिग्री था, वैसे ही सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. तो यहाँ पे भी हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी. तो कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एक एंगल है और दूसरा ये वाला. तो दोनों एंगल की बात करें तो दो एंगल है और एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल. बराबर, स्ट्रेट एंगल तो है, ऊपर से ये दोनों का हमें सम भी करना है. बराबर, यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, तो एंगल ए, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, और दूसरा एंगल होगा हमारा एंगल डी सी बी. अब दोनों का हम मेजर करेंगे, तो मेजर ऑफ एंगल ए सी डी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180. ये दोनों एंगल का हमारा जो सम है वो 180 डिग्री हो रहा है, इसीलिए हम ये दोनों एंगल को कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स में यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वन कॉमन ही हो. अगर आप सपोज कि यहाँ पे एक एंगल है, एक मिनट, सपोज मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया है जिसका माप है 60 डिग्री और दूसरा एक एंगल ले लिया है 120 डिग्री. तो अगर हम ये दोनों को मिला दे, बराबर, तो 120 प्लस 60 इज इक्वल टू भी 180 होगा. इसीलिए इस दोनों एंगल को भी हम एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं. मतलब हम अलग अलग एंगल को अगर ज्वाइन करके अगर उसका सम 180 लाएंगे तो वो दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे. चलो नेक्स्ट है एडजेसेंस एंगल. अब इसे हम सबसे पहले तो नाम दे देते हैं, तो जो एडजेसेंस एंगल हम किसे कहेंगे, तो सबसे पहले नाम देते हैं ए बी सी और यहाँ पे नाम दे देते हैं डी. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बी हमारा कॉमन वर्टेक्स है. यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, तो ए बी सी और सी बी डी, दो कॉमन हमारे एंगल बन रहे हैं. तो एंगल की बात करें तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स कौन सा होगा, बी. दूसरी बात, तो यहाँ पे हम देखें तो एंगल ए बी सी में और सी बी डी में जो जो लाइन बी सी है वो कॉमन है. तो जिस एंगल के अंदर एक लाइन कॉमन हो, और एक वर्टेक्स कॉमन हो, तो उसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल. इसके अंदर आपकी एक लाइन कॉमन होनी चाहिए और एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, तो ये जो एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल. सेकंड फिगर ले लेते हैं, ए पी क्यू आर एस. चलो, तो यहाँ पे फिर से दो एंगल है, कौन से, पी क्यू एस और एस क्यू आर. यहाँ पे हम बात करें तो कौन से दो एंगल बन रहे हैं, तो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, और दोनों एंगल में जो रे क्यू एस है वो कॉमन है और जो वर्टेक्स क्यू है वो भी कॉमन है, इसीलिए हम इस एंगल को भी एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं. आगे बात करें पेयर ऑफ लीनियर एंगल.
चलो अब ये एंगल में हमें दो बात की क्या याद रखनी है, फर्स्ट तो पहले तो हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, तो एंगल ए बी डी और दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है डी बी सी। दो एंगल यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। दूसरा तो जो दो एंगल है और दोनों का अगर हम सम करें तो सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, और जो दो एंगल है उसकी एक साइड कॉमन है, कौन सी वाली, तो रे बी डी साइड कॉमन है और वर्टेक्स भी एक कॉमन है। तो लीनियर एंगल बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन कि वो एंगल कौन सा होना चाहिए, तो एडजेसेंट जो हमने अभी देखा, और सेकेंड वो स्ट्रेट एंगल भी होना चाहिए। तो जो एंगल ये दोनों की कंडीशन फुलफिल करते हैं उसे हम कहेंगे लीनियर एंगल। जैसे कि यहाँ हमने बात करी तो मेजर ऑफ एंगल एबीडी प्लस मेजर ऑफ एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180। ये दोनों का अगर हम सम करें तो 180 आ रहा है, ऊपर से दूसरा 180 है मतलब स्ट्रेट एंगल है, और सेकेंड यहाँ पे एक रे और एक वर्टेक्स पॉइंट भी कॉमन है यानी कि वो एडजेसेंट भी है, इसीलिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसीलिए हम इसे कहेंगे लीनियर एंगल। अब नेक्स्ट बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहा जाता है, जब टू रेस या तो टू लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है तब उसे एक तब वो एक कॉमन वर्टेक्स के अंदर मिलती है। तो जहां पे यहाँ वर्टेक्स कॉमन है इसीलिए हमने यहाँ जो वर्टिकली है, तो वर्टिकली का मतलब जो अप एंड डाउन होता है, तो यहाँ पे अप एंड डाउन नहीं लेना है लेकिन हमें क्या लेना है सेम, उसका मतलब हमें लेना है सेम वर्टेक्स या तो सेम कॉर्नर पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे एंगल्स की, तो कितने एंगल बन रहे हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे जो 4 एंगल बन रहे हैं उसके अंदर भी हमें कौन से लेना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइन क्रॉस। जब ये दो लाइन क्रॉस हो रही है तो टोटल 1, 2, 3 और 4 एंगल बन रहे हैं, तो जो सामने सामने वाले एंगल है तो 1 के सामने कौन है, तो 1 के सामने है 3। वैसे 2 के सामने कौन है, तो 2 के सामने है 4। तो यहाँ पे जो सामने वाले एंगल्स है उसे हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एंगल एंगल 1 एंड एंगल 3 और दूसरा पेयर होगा हमारा एंगल 2 एंड एंगल 4 का। ये तो हमने क्रॉस ली, अगर सीधी लाइन हो तो 1, 2, 3, 4 ऐसा हो तो क्या होगा सेम वैसा ही, तो एक के सामने कौन है, तो एक के सामने यहाँ पे नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है क्रॉस जाना है, बराबर 1 एंड 3, 2 एंड 4। तो ये जो हमारा पेयर बन रही है उस पेयर को हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। जब भी टू लाइंस एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस पे हो और एक दूसरे को कभी भी टच ना करती हो तो वो दो लाइन को हम पैरेलल लाइन कहेंगे। सपोज हम इसको नाम देते हैं एल और इसको नाम देते हैं एम, यहाँ पे टू लाइन है तो लाइन एल और लाइन एम ये दोनों पैरेलल है जिसकी निशानी होगी दो खड़ी लीटी, बराबर। तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे एल और एम दोनों समांतर रेखाएं है, पैरेलल लाइन है, तो उसे हमें संकेत में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। नेक्स्ट पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तब यहाँ पे पैरेलल लाइन तो आपने देख ली, अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल यानी कि छेदिका। छेदिका हम किसे कहेंगे, जब टू पैरेलल लाइन को कोई एक तीसरी लाइन अथवा तो तीसरी लाइन
छेदती है या तो उसके ऊपर से पसार होती है तब वो दो लाइन को दो अलग अलग बिंदु के अंदर मिलती है। यहाँ पे आपको जब दो अलग अलग बिंदु मिलते हैं वो दो लाइन को अगर दो पार्ट में विभाजित करती है तो वो जो लाइन है उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हम बात करें तो ए लाइन ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी पी क्यू आर और एस। तो चलो यहाँ पे देखते हैं द लाइन ए बी इज ट्रांसवर्सल, इट कट्स It cuts across the parallel line PQ and RS. तो यहाँ पे line PQ है और RS है, तो इस PQ और RS को line AB cross कर रही है दो बिंदु में, यहाँ उसे हम नाम दे देते हैं C और D. C और D बिंदु में वो हमें मिल रही है, वहां पे दो वर्टेक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है जो इसे क्रॉस कर रही है तो इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। अगर ये लाइन राइट एंगल के अंदर उसे क्रॉस करे, 90 डिग्री के अंदर अगर दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करे तो उसे कहेंगे हम परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल। परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब यानी 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट है कॉर्नर्स फॉर्म बाय इंटरसेक्शन। हमारे पास फिगर है, हम पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। नाम दे दिया, अब यहाँ पे देखेंगे तो कितने कॉर्नर बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टू पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसफार्मर है, तो जब भी टू पैरेलल लाइन और एक ट्रांसफार्मर है तो उसे कितने एंगल बने हैं, तो ये एक एंगल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 एंगल्स हमारे बन रहे हैं। अब इस एंगल का भी अलग अलग टाइप्स है, कौन से कौन थे, तो फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थर्ड है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और फोर्थ है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो चलो अब हम ये तीनों चारों का एक 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 हम अभ्यास करेंगे। फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सीखने से पहले हम फिर से हमारे फिगर में वही नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। चलो अब हम देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, तो जब भी दो लाइन पैरेलल लाइन को एक लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल अगर क्रॉस करती है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, तो 8 एंगल्स में से हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे। तो वह तो इससे हम याद रखने के लिए एल शेप याद रखेंगे, मैचिंग करना है शेप एल बाय एल। तो यहाँ पे L शेप कहाँ पे बन रहा है तो हम देखेंगे तो EFB, तो EFB यहाँ पे एक L बन रहा है, तो सेम वैसे ही L दूसरा कहाँ पे बन रहा है तो FGD, बराबर। ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया, EFB हमारा फर्स्ट और EFGD, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंगल बन गया एंगल ई एफ बी एंड एंगल एफ जी डी। अब हम सेकेंड की बात करेंगे, हमें एल लेना है लेकिन कौन सा एल लेना है, उल्टा एल लेना है, तो अब उल्टा एल हमारे फिगर में क्या बन रहा है, जहां पे एल बना है उसके बाजू में तो ई एफ ए और सेकेंड बनेगा उसके नीचे एफ जी सी, ये हमारी दूसरी पेयर हो गई। हमारी दूसरी पेयर कौन सी बनी, एंगल ई एफ ए एंड एंगल एफ जी सी। अब थर्ड है तो हमें सेवन याद रखना है, सेवन के नीचे सेवन,
यहाँ पे अब सेवन कहाँ पे बन रहा है हम देखेंगे, कहाँ बन रहा है सेवन आपको दिखा? मुझे तो दिख गया। तो ए एफ जी और सी जी एच, यहाँ पे सेवन बन रहा है, ये एंगल हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए एफ जी एंड एंगल सी जी एच। अब सेकंड एंगल की बात करें तो सेकंड एंगल में हम लेंगे उल्टा उल्टा सेवन, बराबर। उल्टा सेवन कहाँ होगा? उसके बाजू में, एफ बी जी और डी जी एच। तो हमारे फोर्थ पेयर हो गए एंगल बी एफ जी एंड एंगल डी जी एच, यानी कि हमारे टोटल एट जो एंगल है, एट एंगल में से हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल की टोटल फोर पेयर बनेगी। मैचिंग करना है तो अब मैचिंग हम कैसे करेंगे? तो हमको ये याद रखना है, तो दो एल ले लेने हैं और दो सेवन ले लेने हैं और उसे उल्टा कर देना है, एक बार सीधा लेना है, एक बार उल्टा लेना है, यानी आपको याद रह जाएगा। और देखना है कि ये शेप कहाँ पे बन रहा है, तो एल देखेंगे यहाँ पे बन रहा है, उल्टा एल यहाँ पे बन रहा है, सेवन यहाँ पे बन रहा है, उल्टा सेवन यहाँ पे बन रहा है। याद रख लो, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ शेप याद रखो, आपको एंगल ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। अब बात करें एंगल की, तो करस्पॉन्डिंग एंगल में जो भी पेयर है, कितनी पेयर है टोटल? तो चार। तो चार पेयर के अंदर जिस उसका जितना भी माप होगा, तो माप हमेशा कैसा होगा? सेम होगा, एक पेयर के अंदर सेम होगा। सपोज के ई एफ बी 60 डिग्री है, तो ई एफ बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? तो एफ जी डी, फर्स्ट पेयर, बराबर। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। अगर ये ले ले ए एफ जी, ए एफ जी सपोज के 80 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री ही होगा। अगर ये 120 ले ले तो ये भी कितना होगा? 120 होगा, बराबर। ये आपको याद रखना है क्योंकि हमें आगे इसे इसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप करस्पॉन्डिंग एंगल पता होना चाहिए कि कब माप सेम आ रहा है, कब माप अलग आ रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स भी चर्चा करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट तो कहा है, ऊपर से इंटीरियर भी कहा है, क्या चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। ई एफ जी एंड एच। चलो अब सबसे पहले बात करेंगे हम नाम पर से पेयर बनाएंगे, बराबर। आपको कहा गया है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का, याद रखो अंदर का, बराबर। अंदर के एंगल्स, तो अंदर के एंगल्स कौन से है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम दे दिया। तो अंदर के कौन से है? तो ये अंदर का दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में के, बराबर, बीच के एंगल, तो कौन से है? 3 4 5 6, बराबर। When two lines are crossed by another line, alternate interior angles are pair of angles on the inner side of each of those two lines, but an opposite side of the transversal. बराबर। तो अंदर के बाजू के जो भी हमने ये लिए थे angles, तो उसमें भी हमें कौन से लेने हैं? तो opposite side के, किसकी opposite? तो transversal की। तो ये हमारा transversal है। तो अगर हमने four लिया तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 6, क्रॉस में लेना है, तो 4 एंड 6। वैसे 3 के साथ क्या होगा? तो 3 एंड 5। तो यहाँ पे दो एंगल बने हमारा, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंड सेकेंड पेयर होगी हमारी एंगल 4 एंड एंगल 6। अंदर के लेने हैं लेकिन अपोजिट साइड के लेने हैं, तो 4 के साथ और अल्टरनेट लेने हैं, अल्टरनेट है, अपोजिट साइड और अल्टरनेट, मतलब उसके बाजू का नहीं लेना, नीचे का लेना है, अल्टरनेट लेने हैं। तो 3 एंड 5 4 एंड 6, यहाँ पे दो पेयर बने, तो ये दो पेयर को हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसके माप भी हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, अगर ये 80 है तो ये भी
व्यक्ति होगा। चलो नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब एक्सटीरियर एंगल से, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से है हमारे यहाँ पे, तो एक्सटीरियर एंगल है 1, 2, 8 और 7, बाहर के एंगल है। और उसमें भी कहा है अल्टरनेट, तो अल्टरनेट करना है, तो 1 का अल्टरनेट क्या होगा 7 और 2 का अल्टरनेट क्या होगा 8। यहाँ पे हमें 2 एंगल्स मिल गए, एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड सेकंड है एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये हो गए आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके माप भी हमेशा कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये 50 होगा तो ये भी कितना होगा, 50 ही होगा। नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल है, फिर से अंदर के ले लेने हैं, तो कौन से होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अंदर के है तो 3, 4, 5 एंड 6, और लिखा है इंटीरियर एंगल तो है लेकिन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड में क्या होगा 4 एंड 5। यहाँ पे आप से भी याद रख सकते हो, सी या उल्टा सी, बराबर। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे सी और उल्टा सी हम ले लेंगे, तो 3 एंड 6, 4 एंड 5, ये दोनों पे। तो कौन सी पेयर बन रही है हमारे, फर्स्ट पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 6। और हमारी सेकंड पेयर होगी एंगल, सॉरी 3 एंड 6 हो गया एंगल 4 एंड 5। अभी यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दोनों का माप कैसा होगा, तो मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 180। यानी कि दोनों का अगर हम सम करें तो वह कितना होगा 180। वैसे यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अगर सपोज हमारा इसका माप 50 डिग्री है तो इसका कितना होगा, तो 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। वैसे ही अगर सपोज कि इसका माप 60 है तो इसका कितना होगा, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। बराबर, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया है 60, बराबर। यहाँ पे 120 और 60 नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर देखे तो यह 130 है, तो यहाँ पे भी 130 होगा, ये 130 है तो ये भी 130 होगा, लेकिन यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पूरे वीडियो में हमने जो भी कुछ सीखा है वो आपको नोट डाउन करना है, जो भी हमने देखा है कि किस एंगल्स कौन से एंगल सेम होते हैं, कौन से एंगल अलग अलग होते हैं, तो सब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज करके हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।